रेडमी के 30। हाँ गाइज, आज फाइनली रेडमी के 30 और के 35G वाला वेरियंट फाइनली चाइना के अंदर लॉन्च हो गया। और गाइज, जिस फोन में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन प्राइस एंड इंडियन लॉन्च डेट के बारे में कि कब ये फोन आने वाला, कुछ बात करेंगे इस फोन के भी, बात दोनों फोन के बारे में भी, तो पूरा वीडियो देखिएगा गाइज और जल्दी से लोगों को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया है, और आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ हमने सोचा था भाई कि मतलब 2020 में हमें बजट कैटेगरी में हमें यहाँ पे 5G फोन मिलेंगे, मगर यहाँ पे रेडमी ने और कमाल करके दिखा दिया, हमें 20,000 रुपए के अंडर ही हमें यहाँ पे इतनी जल्दी दिसंबर, मतलब आप बोल सकते 2019 खत्म नहीं होता, मगर वो लेके आ गया नया फोन, वो भी 5G, वो भी अंडर 20,000 रुपीज। तो ये बहुत बढ़िया काम यहाँ पे रेडमी कर रहा है, बट क्योंकि बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे रेडमी के ने की हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के बारे में, फिर मैं लास्ट में बात करूंगा प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस फोन के यहाँ पे डिजाइन के बारे में दोनों में, तो दोनों में डिजाइन एकदम सेम ही है, कुछ जो है डिफरेंस आपको देखने मिलने वाले इन फोन में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे, बट जब भी हम बात करेंगे इस दोनों में, तो सबसे पहले डिजाइन में बात करता हूँ, तो डिजाइन दोनों फोन में बहुत बढ़िया लुकिंग है, ग्लास बॉडी है, तो डिजाइन वाइज आपको फोन बहुत बढ़िया देखने मिल जा रहा है। वहीं बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में कि डिस्प्ले भी एकदम सेम आपको दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों में हमें डुअल पंच होल सेल्फी मिलने वाली है, तो यहाँ पे 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, IPS पैनल है, बट 120Hz की जो इसकी स्पीड है, जो आपको पता है ये बहुत अच्छा डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले आप बोल सकते हो ओवरऑल बहुत अच्छा है। साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, साइड माउंट जो आपको पता है मिलता है, वैसे वैसे फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, तो डिस्प्ले आप बोल सकते हैं इस प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया दिया हुआ है। वहीं बात करते हैं गाइस इस फोन के यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ प्रोसेसर में भी फर्क मिलेगा आपको, जो रेडमी का K30 है मतलब जो सिंपल वाला है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730G मिल रहा है, एंड जो रेडमी का K30 5G वाला वेरियंट है जिससे मतलब चाइना में जो है वो आपको वहां पे मिल जा रहा है स्नैपड्रैगन का 765 5G वाला, तो बहुत फर्क है, मतलब बहुत ही बढ़िया चिपसेट आपको उसमें देखने मिल रहा है, उसमें भी अच्छा है, दोनों में अच्छे चिपसेट है, तो प्राइस भी थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, इसलिए मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो प्रोसेसर दोनों में आपको बढ़िया देखने मिलने वाले हैं। वहीं बात कर लेते हैं गाइज सेल्फी कैमरा के बारे में, गाइज फोनों में क्या सेल्फी मिलने वाला है, क्या रियर कैमरा, तो सबसे पहले रियर कैमरा बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमें मेन कैमरा जो इनमें दोनों में एक ही मिल रहा है वो है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो होगा, सोनी का 686 वाला सेंसर जो पहली बार यूज हुआ है इसमें, और बहुत बढ़िया कैमरा होने वाला है गाइज, ये जो सैमसंग का मतलब सैमसंग तो आपने देख ही लिया, सैमसंग का G1 वाला, अब ये सेंसर उससे बेटर होगा जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि सोनी के कैमरा और अच्छे होते हैं, तो इसमें बहुत ही बढ़िया सेंसर यूज किया गया दोनों फोन में। वहीं पे इसमें कैमरा में ना, तो इसमें जो हमें रेडमी का K30 5G वाला मिलता है उसमें हमें 64+8+5+2 मिलता है, वहीं पे रेडमी K30 जो है उसमें मिलता है 64+5+2+2, ऐसा है कुछ फर्क है, तो ज्यादा फर्क आपको कैमरा भी देखने नहीं मिलता है। वहीं बात करता हूँ सेल्फी कैमरा के बारे में, सेल्फी दोनों में हमें एकदम सेम मिलती है, दोनों में हमें डुअल पंच होल मिलता है सेल्फी में, वो भी एक में 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, तो दोनों एकदम सेम है 20+2, तो बढ़िया, मैंने जैसा बताया था पहले वीडियो में तो वैसे ही है, तो बढ़िया कैमरा आपको अच्छा ही देखने मिलने वाला है फ्रंट में भी। तो वहीं बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में, दोनों में बैटरी भी एकदम सेम है, 4.5 mAh की बैटरी दोनों में मिल जाती है, और टाइप सी दोनों में मिलता है, बट हाँ फास्ट चार्जिंग में फर्क है, जो हमारा यहाँ पे रेडमी का जो 5G वाला वेरियंट वहां पे हमें मिलता है 30 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग, वहीं रेडमी का जो K30 सिंपल वाला है जो 5G है उसमें 30 वोल्ट है, बट जो सिंपल वाला है उसमें हमें 27 वोल्ट मिलता है, तो ये फर्क है, पर ज्यादा आप बोलते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं है, तो आपको यही फर्क देखने मिल जाता है, तो अच्छा है, आपको अच्छी स्पीड दोनों में देखने मिल जाने वाली है। वहीं बात कर लेते हैं गाइस इन दोनों फोन के बारे में, UI भी एकदम सेम है, Android 10 MIUI 11 के साथ दोनों रन करते हैं, तो बहुत बढ़िया है ये दोनों स्मार्टफोन। अब फाइनली मैं बात करता हूँ प्राइस एंड लॉन्च डेट, सबसे पहले बात करता हूँ मैं चाइना प्राइस की, जो चाइना में इंडिया इस फोन को लॉन्च किया, मतलब रेडमी ने इस फोन को लॉन्च किया है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो रेडमी का K30 जो सिंपल वाला वेरिएंट है उसका जो बेस वेरिएंट चालू होता है 6GB RAM और 64GB वो चालू होता है सिर्फ 17,000 रुपए से, मतलब 17,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 730G, इतना बढ़िया डिस्प्ले, टच कैमरा, प्रोसेसर भी मतलब बहुत अच्छा फोन है, एंड जो हमारा रेडमी का K30 5G वाला होता है वो चालू होता है चाइना में 1999 yuan, मतलब 20,000 रुपए, मतलब 20,000 रुपए में हमें 5G मिल रहा है, स्नैपड्रैगन का इतना बढ़िया नया प्रोसेसर मिल रहा है, कैमराज बढ़िया है, डिस्प्ले अच्छा है, तो मतलब आप बोल सकते हैं अनबिलीवेबल काम यहाँ पे किया हुआ रेडमी ने। तो अब बात करते हैं वही फाइनली इंडियन प्राइस की, तो इंडियन प्राइस आप लोगों को पता है रेडमी के जो प्राइस होता है चाइना से इधर आने में सिर्फ 1,000, 1,500, 500, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता है, तो प्राइस वाइज आप टेंशन मत लो, मुझे जितना लगता है आपको जो रेडमी का 5G वाला रेडमी K30 तो नहीं मिलेगा जितनी यहाँ पे स्ट्रांगली लीक्स आ रही हैं, क्योंकि 5G है नहीं इंडिया में तो अभी नहीं आएगा, रेडमी का जो K30 आने वाला है
वो आपको अंडर 20,000 इंडिया के अंदर देखने मिलेगा, वो भी अगले साल। हाँ अभी तो दिसंबर आ चुका है जैसे आपने देख लिया, तो अगले साल ही आपको रेडमी का K30 इंडिया के अंदर बहुत जल्द देखने मिलेगा। तो बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। अभी कुछ दिन बाद शायद हो ही जाए ऐसा कि ट्वीट आ जाए कि इतने वीक्स बाद आ रहा है, इतने वीक्स बाद आ रहा है Redmi K30 मनु कुमार जैन की तरफ से। तो ये है गाइज, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, एंड मैंने तो अपनी थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिए। बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है ये रेडमी का K30, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अब बस एक ही स्मार्टफोन होने वाला है Redmi K30 इंडिया में, जिसमें आप लोग बताया ये वाला। तो बस गाइस, इस वीडियो को आप लोग पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।